अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हकीम खान। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं आपकी कमर दर्द के बारे में, स्पेशली कमर दर्द के बारे में, या फिर जॉइंट में पेन है उसमें भी काम करेगा। लेकिन अगर आपको कमर दर्द बहुत लंबे समय से है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने कमर दर्द को लेकर, आपने तरह तरीके के नुस्खे इस्तेमाल कर लिए हैं, या फिर आपने जो है बहुत सारे नीम हकीम को दिखा लिया है, एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा कर आप थक चुके हैं और कोई आराम आपको नहीं लग रहा है, तो आप आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं कमर दर्द के लिए आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा, बहुत ही आसान होगा जो कि, और आप जो है इससे चंद दिनों में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप दवाइयाँ खाने के अलावा हल्की फुल्की जो है वॉक जरूर करें। मॉर्निंग वॉक सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आपको निरोगी बनाने के लिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप 72 बीमारियों से बचे रहते हैं। ये आप सुबह कर सकते हैं आराम से, या तो आप टहले, ज़रूरी नहीं आप भागे, आप टहल भी सकते हैं, चल सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब नुस्खा नोट कर लीजिए दोस्तों। नुस्खे में सबसे पहली चीज़ जो इस्तेमाल होगी वो होगी अश्वगंधा। अश्वगंधा एक लकड़ी नुमा हर्ब होती है जो कि अगर आप तोड़ोगे तो इसके अंदर से पाउडर सा निकलता है, और वही अच्छी हर्ब मानी जाती है अश्वगंधा जिसके अंदर से तोड़ने पर पाउडर निकले। तो ध्यान रखिए, पाउडर निकलना ज़रूरी है। 100 ग्राम ले लेनी है आपको ये। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अलसी के बीज। अलसी के बीज भी आपको पंसार स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अलसी के बीज कई तरीके के रोगों में काम आते हैं, स्पेशली जो शरीर के जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। अलसी के बीज भी प्लस अलसी के तेल भी बहुत अच्छा होता है। और तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर अलसी के बीज भी आपको 100 ग्राम लेने हैं। और तीसरी चीज़ जो देख रहे हैं आपको ये ले है गोंद सियाह। गोंद सियाह ये थोड़ा कड़वा होता है बहुत ज़्यादा खाने में, तो ये आपको 100 ग्राम ले लेना है। और तीनों चीज़ों को ही 100-100 ग्राम लेकर आप बारीक पाउडर कर लेंगे ग्राइंडर में। ग्राइंड करने के बाद जब पाउडर बनकर तैयार होगा तो आप इसको लेंगे सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम लेंगे। दो चुटकी यानी 1 से 2 ग्राम के आसपास सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद, और आपको शाम को खाना खाने के बाद इसको लेना है। आप चाहो तो इसको पानी से ले लीजिए, चाहो तो आप इसको दूध से ले लीजिए, या फिर आप जूस से भी इसको ले सकते हैं, जो मौसमी का जूस है, फिर कोई भी जूस आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिनों में ही, 15 से 20 दिन में ही फ़ायदा होगा, लेकिन आपको उसको 30 दिन इस्तेमाल करना।